फाइनली बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सभी के लिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ आ चुकी है। आपको मैं पहली कट ऑफ बताऊं उसके पहले आपको फिर से याद दिला देता हूं, मैंने आपको बताया था 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि 22 तारीख को आपको आपकी कट ऑफ मिल जाएगी। आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, निगेटिव हो या पॉजिटिव कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और उसी जो गलत कमेंट होते हैं उन्हीं के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो जिन्हें मुझे सॉल्व करने में मजा आता है, जिनकी वीडियोज आपके लिए लाने में मजा आता है मुझे। तो आप लोग कमेंट निश्चित तौर पर करिए, से करिए। चलिए मैं आपको बताता हूं आपकी कटाप, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, यदि आपकी इस चैनल से थोड़ी भी हेल्प हो पा रही है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और कनेक्ट रहने के लिए कुछ वीडियोस यदि आपके पास इधर उधर आती हैं, और जो भी आती हैं उनका ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नहीं होता है, आपके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, आपकी एडमिशन प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ जानकारियां जरूर होती हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या है आपकी कटाप, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए, यानी कि जनरल की जो कटाप है वो 415 नंबर जिनका है या फिर उससे ज्यादा है, वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और पेमेंट करेंगे। आती यहां पर जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी जो कटाप गई है वो 285.04, जिनका भी नंबर 285.04 है या फिर इससे ज्यादा है, ज्यादा वाले और इतने वाले वो जाएंगे इस राउंड की काउंसलिंग के लिए, यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। उसके साथ यहां पर जो एसटी के कैंडिडेट होंगे वो 118 नंबर जिनका है या उससे ज्यादा है वो जाएंगे अपनी काउंसलिंग के लिए। फिर से एक बार आप सुनेंगे, जनरल के लिए 415, एससी एसटी के लिए जो है 285.04, और एसटी के लिए क्या है आपकी 118 नंबर आपकी कट ऑफ गई है कैंडिडेट। स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई आपकी कट ऑफ की बात कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है, उसके साथ यहां पर उन कैंडिडेट को जिनका भी नंबर इतना है या इससे ज्यादा है, जो मैंने आपको बताया उससे ज्यादा है, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहां पर आपको क्या करना होगा, ये प्रोसेस अपना डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो प्रोसेस है उसको आपको 26 तारीख से 29 तारीख को 2 बजे तक आपको कंप्लीट करना होगा। साथ ही आपको वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका जो वेरिफिकेशन होगा, जो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके लिए जो वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा वो 26 से 30 तारीख तक, 30 तारीख को शाम के 5 बजे तक आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिनका भी डॉक्यूमेंट करेक्ट होगा। ये सारी चीजें हैं कि आपको मैंने बता दिया, कट ऑफ एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बीकॉम कोर्स के लिए अनरिजर्व के लिए 415, एससी के लिए यहां पर 285.04, उसके साथ यहां पर एसटी के लिए 118 नंबर आपके बीकॉम कोर्स के लिए पहली कट ऑफ गई है। यदि आप रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड अपने तय समय पर कर देते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शाम को 5 बजे तक 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप आगे के जो भी आपके प्रोसेस रहेंगे उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन और पेमेंट ऑफ फी जो है आपको 26 से 30 तारीख के बीच में ही आपको कंप्लीट करने लेना है, और आपको सबसे पहले जो करना है वो रजिस्ट्रेशन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वो प्रोसेस आपका परसों से यानी कि 26 तारीख से होगा, इस डेट को आप याद रखिए, 25 तारीख को बिल्कुल रिलैक्स करिए। जिनको भी कॉलेज मिल गया है, जिनको नहीं मिला है वो सेकंड राउंड के लिए वेट करेंगे। साथ में जो आगे के जितने भी आपके कोर्स हैं, बीए कोर्स हो गया, बीएससी कोर्स हो गया, उसके लिए भी आप इंतजार करें, जल्द ही उनकी भी कट ऑफ जारी होने वाली है। जल्द ही हो सकता है कि आपकी भी कट ऑफ कुछ ही घंटों में रिलीज हो जाए, तो अब लगातार आपकी कट ऑफ आती रहेगी, क्योंकि क्या है कि अब स्टार्ट हो गया है सब कुछ, तो मतलब अब डाटा आपका सारा सुरक्षित है, अब आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक यू, लव यू।